ऑल राइट गाइस, नमस्कार, आपका स्वागत है देसी डोज में। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो कॉइन के बारे में तसल्ली से, और हर सवाल का आपका जवाब देंगे। मैंने 6 सवाल सेलेक्ट किए हैं और 6 सवाल का मैं आपको चाहता हूं कि जवाब दूं, जिससे आप क्रिप्टो को और बेहतर तरीके से जानें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग के मन में आता है, वो लोग सुनते हैं बिटकॉइन 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 कैश, अलग अलग बातें लोग से सुन रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, तो वो कहते हैं कि मैं आखिर क्यों इन्वेस्ट करूं क्रिप्टो कॉइन पे, और ये चीज़ क्या है। देखो, क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट अभी इसलिए करना है क्योंकि जो क्रिप्टो कॉइन जो मार्केट है, जो बिटकॉइन का मार्केट है, जो ऑल्ट कॉइन का मार्केट है, ये जो मार्केट है ये बूम पे है। अभी क्या है कि बहुत लोगों तक ये स्प्रेड हो गया है, बहुत लोग इसमें कॉइन्स आके परचेज कर रहे हैं, जैसे इथीरियम है, XRP है, लाइट कॉइन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतने लोगों तक ये बातें नहीं गई है, या फिर उतने लोगों को ये पता नहीं है। कुछ लोग हैं, सीमित लोग हैं, जो कि अवेयर रहते हैं इन चीज़ों से, शेयर मार्केट या फिर ये क्रिप्टो मार्केट से, उन लोगों को इसके बारे में पता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब आपको 10 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना तक की ग्रोथ मिल सकती है, और बहुत कम समय में। यानी कि अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20,000 रुपये का रिटर्न मिल सकता है 1 महीने के अंदर। अगर वो किसी चीज़ में आज क्षमता है, किसी भी चीज़ में अगर पावर है ऐसी, तो वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में है। आप शेयर मार्केट में इंतज़ार कर लीजिए, शेयर मार्केट में हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए सेम अमाउंट का प्रॉफिट लेने में, जो कि आपको क्रिप्टो में 1 महीने में या फिर केवल 5 दिन में मिल जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो कॉइन को देखें, अगर आप टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मई या मार्च के टाइम पे जो उनकी कीमत थी, उससे आज की कीमत में, आज नवंबर है, नवंबर में जो प्राइस चल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ जो है, और ये बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में बात पहुँचेगी, वैसे वैसे ज़्यादा लोग इसे परचेज करेंगे, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉइन के प्राइस बढ़ते रहेंगे। सिंपल सा रूल, किसी भी प्राइस के बढ़ने का रूल सिंपल सा एक ही होता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा कॉइन का प्राइस होगा। ये चीज़ है पहली। तो जो लोग ये पूछते हैं कि क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो दोस्तों, अगर प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और बिल्कुल तगड़ा वाला प्रॉफिट चाहिए, तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। दो चीज़ें हैं जहाँ पर को एक 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 जो कॉइन होता है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है, उसके दो साइड होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ें देखनी है। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और बिल्कुल पूरे चांसेस हैं 50-50 के नुकसान भी हो सकता है, ये इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन जो मार्केट गवाही दे रहा है पिछले 5 महीने से, पिछले 7 महीने से, जो मार्केट में हम देख रहे हैं चीज़ों को, उससे ये पता चलता है कि जिन लोगों ने अभी भी परचेज किया है कॉइन, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद उनकी ग्रोथ हो जानी है, क्योंकि लोग के बीच में ये बात जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे परचेज कर रहे हैं। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने लीगल कर दिया है अपने यहाँ पर को बिटकॉइन, उन्होंने अपने यहाँ लीगल कर लिया है। इथीरियम से आप अपना सेल परचेज जो भी करना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जितना भी ये आप बिटकॉइन को ले लीजिए, आप इथीरियम ले लीजिए, आप XRP ले लीजिए, लाइट कॉइन ले लीजिए, बिटकॉइन कैश ले लीजिए, और 2,000 दूसरी जो जितने भी कॉइन्स हैं मार्केट में, अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम का मतलब उसमें से 500 या 600 या 700, 800 जितने भी देखेंगे, इतने कॉइन आपको जो मिलेंगे इनमें कुछ ना कुछ विजन के साथ ये कॉइन मार्केट में आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग जाके कहीं पे गैम्बलिंग कर रहे हैं या कोई इलीगल आप कसिनो खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मार्केट है, ये रिपल है, तो रिपल का अपना एक मकसद है मार्केट में आने का। वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो रिपल जो प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो मार्केट में आया है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसका हिस्सेदारी ले रहे हैं रिपल का। आप कॉइन परचेज करके आप उसकी एक हिस्सेदारी ले रहे हैं। जैसे आपने डॉलर परचेज किया, उसकी कीमत 60, 66, 67 रुपया है, 64 रुपया है,
तो वैसे ही आपने रिपल आज परचेज किया, आपने उस टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट किया है। तो किसी भी तरीके से अगर हम एज जनरल वे में अगर हम बात करें, तो एक जनरल वे में ये कोई इलीगल काम नहीं है। कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो या गवर्नमेंट को इसे चूना लग रहा है। इसका जो ड्रॉबैक है उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी अपने सवाल की तरफ ही ध्यान देते हैं। पहला सवाल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्वेस्ट इसलिए करना है कि आपको प्रॉफिट लेना है, इसलिए आपने इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, इंडिया के लिए कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेटर रहेगा? ठीक है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जो मेरी अपनी रिसर्च है, हो सकता है कई सारे एक्सचेंज और आ गए हों, लेकिन हमें पता नहीं है उन एक्सचेंजेस के बारे में। जो मैंने देखा है, यहाँ पर तीन एक्सचेंज हैं, और तीन क्या, एक ही एक्सचेंज है कायदे में। जो पहला है वो तो है आपका जेड पे, वहाँ पर केवल बिटकॉइन का होता है हिसाब किताब। दूसरा है यूनो कॉइन, वो भी शायद बिटकॉइन का ही करता है। तीसरा है आपका ये कोइनएक्स। जो कोइनएक्स है, ये साइट जो है आपकी, ये आपको 5 करेंसी पे आपको ट्रेड करने का मौका देती है, आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी 5 करेंसी हैं? सबसे पहला है बिटकॉइन, दूसरा है इथीरियम, तीसरा है XRP जिसे हम रिपल कहते हैं, चौथा है लाइट कॉइन और पाँचवा है बिटकॉइन कैश। ये है दूसरी चीज़। आप जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन से एक्सचेंज पे जाके हम करें, तो वो है कोइनएक्स। आप यहाँ पर जा सकते हैं, रेफरल लिंक जो है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा नीचे। आप वहाँ से उस लिंक पे जाके क्लिक करके साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा। जब आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा तो साथ में मेरे को भी 100 रुपये का बोनस मिलेगा। तो आप फायदा कमाओ, मैं भी थोड़ा फायदा ले लेता हूँ। क्लियरली बोलते हैं इस बात को, कोई छुपाना नहीं है, और हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, और मैं एज एन इंडिविजुअल मैं काफ़ी लंबे समय से क्रिप्टो कॉइन पे नज़र रखता हूँ। मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, मगर एज जनरल मैं इसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि लोगों को अवेयर कर सकूँ, ताकि जिनके पास, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी किस्मत हो तो आप भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। उसका हक सबको मिलना चाहिए, चीज़ों के बारे में एटलीस्ट एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपने कोइनएक्स पे जाके करना है, तो रेफरल लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाइएगा, साइन अप कीजिएगा, आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा, और उसके बाद आप अपना रेफरल कोड दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 100-150 रुपये मिलता है तो, लेकिन यह है कि चलो ठीक है, 50 रुपये का बोनस मिलेगा तो उससे कम से कम आप रिपल ही परचेज कर लोगे, और उसका इसके प्राइस बढ़ गए तो आपको भी बेनिफिट ही है। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट में देखो क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले सवाल जो था हमारा उससे रिलेटेड ये एक सॉल्यूशन है, मतलब एक बात है कि जो आप बिटकॉइन कैश को लीजिए, ये देखो अभी इसकी कीमत कोइनएक्स एक्सचेंज मैंने ओपन किया है यहाँ पर, इसमें दिखा रहा है 1,15,000 रुपये। ठीक है, अब आप ताज्जुब में आ जाएंगे असली चीज़ देख के। ये है करीबन आपके 23 अक्टूबर की बात। ठीक है, 23 अक्टूबर को मैं इस साइट पर आया था, मैंने देखा था, क्योंकि इस साइट को लॉन्च हुए अभी मे बी ये सितंबर या फिर अगस्त अगस्त में ये हुआ है, ये साइट क्या कहते हैं लाइव हुई है आपकी। तो ये अक्टूबर के टाइम पे मैंने यहाँ पर को अपना अकाउंट क्रिएट किया था। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की इसमें कोई, मतलब जनरली मैं ऐसे ही थोड़ा सा मैं समझने के लिए इसको देख रहा था कि इसमें किस तरीके से डिपॉजिट होता है, किस तरीके से यहाँ से विड्रॉल करते हैं, क्या इनकी पॉलिसीज हैं, और मैं ये देख रहा था कि इस एक्सचेंज में कितना एक तरीके से दम कह सकते हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर। तो मैंने इनका एनालाइज किया, इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, IIT के इसमें कुछ लोग हैं, और इनके इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत ईजी इस इन्होंने ये देखिए अपना क्या बना रखा है, ये वेबसाइट बहुत इजी है इनकी वेबसाइट। आप आराम से जाके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, परचेज करना है परचेज कीजिए, सेल करना है यहाँ पर सेल कर लीजिए उसको। वो चीज़ें बात की है, बाद में बताऊँगा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, 24 तारीख को बिटकॉइन कैश की कीमत थी 20,800। तो 20,800 में क्या हुआ था कि कई सारे लोगों ने उस टाइम पे परचेज किया था कॉइन। ठीक है, अब आप देखिए 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, और ये देखिए 1,19,000 रुपये का ये कॉइन आपका पहुंच गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस इंसान ने अगर इसमें 5,000 रुपये भी लगाए, 5,000 रुपये भी लगाए, तो उसको भी 26 या 27,000 रुपये उसके आज बन गए हैं 1 महीने से कम के अंदर। तो आप ये देखिए कितनी कितनी वो है, ये बेनिफिट कितना बड़ा है। 5 गुना अगर आपको किसी में 1 महीने के अंदर कोई पैसा अगर आपका 5 गुना होता है, तो वो कितनी बड़ी बात है।
दूसरी बात यह है कि ये तो हो गया आपका पहले सवाल और दूसरे सवाल का जवाब, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा सवाल यह है कि लीगलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया में कई सारी अभी बीच में ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी और कुछ खबरें भी आई थी। अब हम कह नहीं सकते हैं खबरों में कितने सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन एक बात ये हो रही थी कि ये जो एक्सचेंजेस हैं सारे बंद हो जाएंगे कल के समय। और एक्सचेंज बंद होने का मतलब ये है कि अभी जो ये एक्सचेंज है ये आपको प्रोवाइड, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली अपने INR से, जो आपके बैंक में जो अकाउंट में पैसा है, उससे आप जाके यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी कॉइन परचेज कर सकते हैं इस एक्सचेंज में। मैं केवल कॉइनएक्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी आपको अदर एक्सचेंज के बारे में बता दूंगा इसके बाद। वहाँ पर तो आप यकीन, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉइन है, लेकिन जो इंडिया में आप INR में अगर परचेज करेंगे तो उसके लिए आप कॉइनएक्स का यूज करते हैं। तो अगर बात करें, ये देखिए, तो ये जो पांच कॉइन, कहने का मतलब यह है कि जो बात आ रही थी, अफवाहें उड़ रही थी कि एक्सचेंज बंद होंगे, क्या होगा उस टाइम पे कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम लोग INR से इसमें कॉइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सचेंज बंद होगा या फिर RBI का कोई रूल आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अपने INR से इसमें कॉइन कोई परचेज नहीं कर पाएंगे। तो बैंक क्या करेगा, मतलब बैंक सपोर्ट नहीं करेगा इन साइट्स को कि आप डायरेक्टली कोई अमाउंट यहाँ से डायरेक्टली कोई कॉइन परचेज नहीं कर सकते पैसे से। नहीं, आप जो कॉइन आपने लिया है उसको आप डायरेक्टली अपने INR में विड्रॉ कर पाएंगे, दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर होगा तो ये होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो एक्सचेंज के अंदर जो एक्सचेंज होता है, जिस चीज़ के लिए एक्सचेंज बना होता है, वो एक्सचेंज की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आपके पास इथेरियम है तो आप इथेरियम को बेच के लाइट कॉइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट कॉइन है, प्रॉफिट में चला गया लाइट कॉइन, तो आप उसको बेच के XRP परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ होगी। तो जो बहुत सारे लोग एक मन के अंदर उनका सवाल है, डरे डरे रहते हैं कि कल के दिन अगर बंद हो जाएगा, इलीगल हो गया, बैन हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ है, फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर तुमने पैसा अपने इसमें डाला है और एक्सचेंज में अगर तुमने ये लगा रखा है, तो वो एक्सचेंज में आप फिर इंटरनली एक्सचेंज कर पाओगे। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जैसे इथेरियम अगर आप परचेज करते हो तो इथेरियम का वॉलेट आता है। वॉलेट का मतलब सब जगह, मतलब जितने भी मैक्सिमम जितने भी कॉइन हैं वो अपना अपना वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप उन कॉइन को होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको वॉलेट मिलता है, वॉलेट के साथ आपकी एक प्राइवेट की जनरेट होती है, पासवर्ड टाइप का। तो उसमें क्या होता है, आप हमेशा के लिए उसको सिक्योर कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है इंडिया में, कल के दिन आप इसको आउटसाइड इंडिया भी सेल कर सकते हो। और जैसे कई सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये लीगल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लीगल है, बिटकॉइन लीगल है वहाँ पर, जापान में लीगल है, और अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लीगल है। तो आप इसको अलग वे में अगर देख के चलो तो आपका कॉइन हमेशा के लिए आपका, ऐसा नहीं है कि कोई वो बंद हो जाएगा या बैन हो जाएगा, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके वॉलेट में एक बार वो चला गया, एक्सचेंज में अगर रहेगा, तो हो सकता है कभी ना कभी अगर ये एक्सचेंज वाले ही भाग जाएं या फिर कुछ हो जाए इस तरीके से, तो हो सकता है वो सारे कॉइन आपके घुस जाएंगे, यानी कि बिल्कुल डंप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर रखते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और उसको अपने वॉलेट पे होल्ड करते हैं, तो वो आपका कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक XRP रहेगा, तब तक वो कॉइन आपके उस पर रहेगा, और उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चीज़ का एक केवल इतना मतलब नहीं है, जैसे आप बिटकॉइन की बात करें, आप इथेरियम की बात करें, आप लाइट 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 कॉइन की बात करें, तो इनका केवल ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ से परचेज किया और जब प्रॉफिट हुआ तो आपने वो पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी कॉइन को परचेज करते हैं तो उसके साथ आप, अगर आपको कोई गवर्नमेंट बैन कर देती है उस करेंसी को आपके यहाँ डायरेक्टली आपके अकाउंट में डालने से, यानी कि INR में उसे विड्रॉ करने से, अगर कोई भी बैन करता है उस चीज़ को, तो अगर वो आपके वॉलेट में है तो आप दूसरी सर्विसेज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें शुरू हो रही हैं, कई सारी साइट्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली बिटकॉइन ले रही हैं, और वहाँ पर जाके आप बिटकॉइन यूज करके वहाँ से सामान परचेज कर सकते हैं। ऐसी कई सारी साइट्स हैं। जापान में तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वैसे ही पूरा लीगल है। आप वहाँ स्टोर पर जाइए किसी में भी, मतलब बहुत सारी जगह वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि जापान के जो नॉर्मल जनरल स्टोर हैं वहाँ पर जाके आप बिटकॉइन से सामान परचेज कर सकते हैं।
तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से जब चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आपके वॉलेट में है तो वो हमेशा के लिए सिक्योर है, कोई उस वॉलेट से कुछ नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज कि आपका प्राइवेट की आपके पास रहे। किसी की हिम्मत नहीं है उस कॉइन को निकालने की, कुछ करने की, ना सरकार कुछ कर सकती है, ना कोई कुछ कर सकता है उस चीज़ के रिगार्डिंग। अब आप हैकर्स को दे देंगे वो चीज़ें, या फिर हैक करने के लिए ओपन छोड़ देंगे, तो कोई ना कोई चुरा ही लेगा, लेकिन एज जनरल वहाँ पर आपका सुरक्षित रहेंगे, आप उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सवाल यह है आपका कि किस इंसान को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों। ठीक है, देखो किस इंसान को करना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्यों करना चाहिए मैं ये कह सकता हूँ, मतलब कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो ये जितना भी चीज़ है ना, क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो मार्केट कह लो आप, क्रिप्टो एक्सचेंजेस कह लो, या फिर शेयर मार्केट कह लो, ये सब शेयर के अंदर ही आ गया। आपने भी डायरेक्टली एक तरह का शेयर है ये, आपने लाइट कॉइन पर ट्रस्ट किया, आपने लाइट कॉइन परचेज किया 4600 में, तो आपने उस पर ट्रस्ट दिखा के उसका एक कॉइन परचेज किया, शेयर लिया आपने, एक शेयर लिया उसका। इस तरीके से आप एज जनरल उसमें एक एक मतलब आइडिया लगा सकते हैं। तो कहने की बात क्या है कि कभी भी अगर आपकी अर्निंग आपको गवाही नहीं देती है कहीं पे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि किसी भी जगह पे जाके आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ये जो मार्केट है ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिटकॉइन है ये 5,15,000 रुपये गया था 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, 4,20,000 नहीं सॉरी 5,15,000 5,20,000 में गया था ये 3-4 दिन पहले, और उसके बाद आप यकीन नहीं माने कल परसों में ये 4,30,000 में पहुंच गया। तो 1,00,000 रुपये का सीधा अंतर आ गया था, 1,90,000 रुपये का। तो कहने की बात यह है कि अगर मान लिया कोई इंसान ये सोचता है हवा में आके, दूसरों की बातों में आके, जैसे दूसरा कहता है कि यार बिटकॉइन ले लो बिटकॉइन ले लो, तो अगर वो किसी की बात में आके किसी से उधार लेके अगर कोई कॉइन परचेज करता है, तो ये मार्केट जो है ये कभी भी इस चीज़ की आपको गारंटी नहीं देती है कि आपको प्रॉफिट होगा। और एक समझदार आदमी होने के नाते आपका भी, मैं भी एक समझदार होने के नाते, आप भी एक समझदार होने के नाते, मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि कभी भी वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना जिसको आप, अगर जो अमाउंट कम भी हो जाए तो आपको कोई उसमें दिक्कत ना हो। जैसे मान लिया आपने 2,000 रुपये लगाए, 2,000 रुपये का आपने कोई चीज़ परचेज करी, तो 2,000 रुपये में अगर आप 2,000 रुपये का खर्चा उठा सकते हैं, अगर घुस भी गया पैसा डंप हो गया, अगर 2,000 रुपया 200 में कन्वर्ट हो जाता है कल के दिन, प्राइस गिर जाते हैं इतने ज़्यादा, तो आपको वो नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। आपको लगना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में खर्च करता था मैंने यहाँ लगाया, यहाँ भी खर्च ही हो गया। इस तरीके से कहने का मतलब ये है, कभी भी इस मेंटालिटी के साथ आप नहीं उतर सकते कि आपका कॉइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो मार्केट अभी गवाही दे रहा है पिछले कुछ समय से, वो ये है इस मार्केट का कि ये बढ़ रहा है। ये जहाँ कॉइन था 5 महीने पहले, आज उससे कहीं आगे है, और बहुत सारे कॉइन हैं। अगर आप टॉप 20, 50, 100 कॉइन देख लेंगे तो वो सारे के सारे, उनके दाम बढ़े ही बढ़े। कुछ कॉइन हैं जो घट गए हैं, वो रिसेंटली आए हैं, वो पहले भी नहीं आए थे, लेकिन जो लंबे समय से हैं, जो जैसे मार्च या अप्रैल या फिर पिछले साल से जो कॉइन है, वो सारे के सारे प्राइस उनके बढ़े हैं कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक। कुछ कॉइन में बहुत हद तक की ग्रोथ, बहुत हद ग्रोथ आई है। जैसे ये बिटकॉइन कैसे का एग्जाम्पल लो, कितने समय पहले की बात है, 24 तारीख की बात है, 20,000 से सीधे 1,15,000 में आ गया था, 1,96,000 दिखा था आज मॉर्निंग में कॉस्ट इसका प्राइस। तो ये चीज़ है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उतना इन्वेस्ट करो, जितने की आप हिम्मत रखते हो। अगर वो कल के दिन डंप हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर उसका प्राइस, या कुछ और अगर ट्रेजडी हो जाती है कॉइन के साथ, तो आपको उससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप सदमे में ना चले जाएँ उस चीज़ के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ आपने करना चाहिए। तो मैं क्या सलाह देता हूँ, मैं ये देता हूँ कि अगर आपकी अर्निंग कम है, कभी भी किसी से उधार मांग के इसमें आप इन्वेस्ट मत करिए, ना अपने माँ बाप से, ना अपने भाई बहन से, ना अपने किसी रिलेटिव से, किसी से भी उधार मांग के अगर आप इसमें लगाते हैं हवा में आके, कोई कुछ नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसका मार्केट। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो काफ़ी समय से शेयर मार्केट के अंदर हैं, जो एक्सपर्टीज है जिनके हाथ में, वो लोग तक ये कहते हैं कि ये बबल है। बबल का मतलब जैसे गुब्बारा होता है वो फूलता है,
जब वो फूलता है तो बहुत फूल जाता है, जब उसकी हवा निकलती है पूरी हवा निकल जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये प्राइस आज आप देख रहे हैं 4,62,500 रुपया, हो सकता है कि ये 4,000 रुपये में आ जाए, हो सकता है ये 400 में आ जाए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कायदे में। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो स्टेबल होने के साथ उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब किसी भी कॉइन के मार्केट में जब उसके प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कायदे में कि वो कॉइन इतना नीचे चले जाए, लेकिन कह नहीं सकते। कई बार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और वो तब होता है जब आप एक कॉइन के भरोसे बैठते हैं और एक कॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ में ये, तो आपने ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखनी है कि ये एक तरीका बबल है कायदे में। क्योंकि जब भी अगर आप दे देखो 20,000 से कोई कॉइन चला जाता है 1,92,000 में सिर्फ 4-5 दिन के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? इतनी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड हो गई है। जब डिमांड हुई है, ये खेल किस चीज़ का है? ये खेल पूरा डिमांड एंड सप्लाई का है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा सेल करने वाले आ गए, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा आ गया आपने सेल पे लगा दिया, तो उसका प्राइस घट जाएगा। जब ज़्यादा बेचने वाले होते हैं खरीदने वाले कम होते हैं तो उसका प्राइस घट जाता है। जब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसका सिंपल सा एक इतना नियम है। और जो स्टेबिलिटी आती है किसी भी पॉइंट पे, वो इसी पे डिपेंड करती है, कितने लोग परचेज कर रहे हैं कितने बेच रहे हैं, वो उसको स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देता है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वॉलेटाइल होने का मतलब या बबल होने का मतलब, बबल होने का मतलब अलग होता है। बबल का मतलब जो जो अनुमान लगा रहे हैं वो बेचारे आज तक प्रॉफिट नहीं कमा पाए, जो जो सही तरीके से चलते रहे हमेशा ये सोच के कि ये बबल है, आज कम हो जाएगा कम हो जाएगा, कल के दिन में बहुत कम हो जाएगा, उन लोग बेचारे प्रॉफिट लेने से रह गए। क्योंकि अगर आप देखो जो बिटकॉइन कैश है, आप एक बात मान के चलो कि ये 20,000 रुपये का कॉइन था, इससे पहले ये इससे भी सस्ता कॉइन था। और कई सारे कॉइन हैं ऐसे जो बहुत, ये बिटकॉइन 9 रुपये में शुरू हुआ था और आज 4,62,000 का है। जब ये 9 रुपये का था उसके बाद ये 100 रुपये का हुआ होगा, 900 रुपये का हुआ होगा। लोग कह रहे होंगे बबल है बबल है, लेकिन वो बबल लेट हुआ। जिस 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 इंसान ने वो 9-10 रुपये लगाए थे उस टाइम पे, 10-50 बिटकॉइन लिए थे, आज वो देखो सीधे सीधे 10 बिटकॉइन भी अगर आपके पास है तो आपके पास 42,46,00,000 रुपये हैं। अगर आपके पास 100 बिटकॉइन है आपके पास 4 करोड़ रुपये हैं, 4.5 करोड़ रुपये। आप इस चीज़ से अनुमान लगाओ कि बबल हबल कुछ नहीं होता है, कभी कभी मार्केट को देखना पड़ता है। अगर कोई मार्केट बढ़ रही है तो आपने एक अनुमान लगाना है कि ये जब बढ़ रही है तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट बना लूँ और टाइम से इससे बाहर निकल आऊँ। अगर मान लिया ये कॉइन है तो मैं अपने अनुमान से वो सारी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ या फिर जो एक ट्रेड कैसे करना चाहिए, कौन से कॉइन कैसे परचेज करने चाहिए, मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन एक एज जनरल मैं आपको एक वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिस वक्त किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही होती है, तो जब स्टार्टिंग में आप उस ग्रोथ को पकड़ लेते हैं, जब वो शुरू हो रहा होता है उसकी ग्रोथ होनी, तो क्या होता है आप उस ग्रोथ का मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल पे देखिए, जिनने 12,000 या 10,000 में कॉइन परचेज किया था, उन लोगों ने अगर किसी ने गलती से इसे होल्ड कर लिया हो अभी तक का, तो वो देखिए सीधे सीधे 1,11,000 में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, केवल 1 महीना 1.5 महीने के अंदर, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो जिस इंसान ने 10,000 रुपये के 5 कॉइन लिए थे, आज 5 लाख रुपये का, 6 लाख रुपये के उसके कॉइन हो गए, 5.5-6 लाख रुपये का। 50,000 की कॉस्ट सीधे 5.5-6 लाख रुपये में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब जो कोई चीज़ बढ़ती है, जब पूरी दुनिया देखो पूरी दुनिया इसका प्रॉफिट ले रही है, आप यूएसए के बच्चों की बात कर लो, आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, चाइना और इसके अलावा इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्रीज़ में कितने सारे बच्चे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, ये बच्चे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अलग अलग उसमें आज ये बच्चे भी लाखों लाखों रुपए कमा लिए हैं इन लोगों ने। किसी ने कार ले लिए, किसी ने अपना जमीन जोड़ ली, किसी ने अपने मकान बना लिए। और हमारे यहाँ तक तो ये बहुत बाद में पहुँचा, हमारे यहाँ सब चीज़ें बाद में पहुँचती है, क्योंकि अब चलो कोई बात नहीं, वो आगे चर्चा का विषय है, वो बाद में बात करेंगे, छोड़ देते हैं। तो ये है बात कहने। उसके बाद बात करते हैं कौन सा कॉइन आपको परचेज करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। देखो अभी जो मैं अगर आपको कॉइन एक्स का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर को 5 आपके कॉइन हैं जो मेन है, एक बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP जिसे हम रिपल कहते हैं, लाइट कॉइन है, और BCH है। ठीक है, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि पहले तो आप वो
अपना लेके चलो कि आप ज़्यादा तो लगाओगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको ये पूरा कॉइन, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बिटकॉइन तो 4,62,000 रुपये का है, तो मैं 4,62,000 रुपये का परचेज करूँगा? नहीं, 4,62,000 का कोई परचेज नहीं करना है। आप 2,000 रुपये का परचेज कर सकते हैं। 2,000 रुपये में इसकी जो कॉस्ट होगी वो 2,000 के हिसाब से 0.000 जितना भी बनेगा उतना आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी मार्केट में जो शेयर से रिलेटेड हो, वहाँ पर को कॉइन के प्राइस के हिसाब से कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता। वहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखा जाता है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपने आज एक कॉइन लिया है 1 रुपये का, उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपया, तो आपको 100 गुना का फ़ायदा हुआ, यानी कि आपने 100 गुना कमा लिया। तो ये हमेशा परसेंटेज पे देखा जाता है कि कितना परसेंट का आपको ग्रोथ मिला। अगर आप इसी की बात करो बिटकॉइन की, तो आप यहाँ पर 4,62,000 रुपये का लेते हो, तो 4,62,000 रुपये का कॉइन जब 10 लाख रुपये पहुँचेगा, तब जाके आपको दुगने का फ़ायदा होगा। तो आप ये देखो कि इतना बड़ा तो ये वैसे ही पहुँच गया है 4,62,000 रुपया। अब बिटकॉइन में आप इसमें लगाओगे पैसा अपना, और यहाँ पर लगाने के बाद आप दुगने का इंतजार करोगे। इससे बढ़िया ऐसा कॉइन क्यों ना लो जिसमें आपको 4-5 गुने का फ़ायदा मिल जाए, जिसकी मार्केट पकड़ ली हो, जिसकी मार्केट में ग्रोथ होने की गुंजाइश हो। ऐसी चीज़ को हमने देखना है। तो जो लोग कहते हैं कि कौन सा कॉइन परचेज करना चाहिए, तो मैं इन पाँचों में आपको सलाह दूंगा लाइट कॉइन की। ये जो कॉइन है लाइट कॉइन, इसकी मैं आपको सलाह दूंगा परचेज करने की। और ये सलाह जो है ये केवल, मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब मेरी अपनी सलाह है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी सलाह पे जाके कोई लाइट कॉइन परचेज ना करे। मैं जो मेरा आइडिया है, जो मैंने अपना थोड़ा बहुत लगा रखा है, वो मैं लाइट कॉइन पे मैंने अपना थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लाइट कॉइन में वो पावर है। ये लाइट कॉइन 2 या 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो पहली चीज़ है लाइट कॉइन। दूसरा, इथेरियम पे मुझे पूरा भरोसा है। इथेरियम पे मुझे अपना अपने लिए मुझे भरोसा है कि इथेरियम के प्राइस भी बढ़ेंगे। आज 24,500 का है, चांसेज हैं 50,000-60,000 जाने के 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जब भी जाएंगे इतना पहुंच सकता है। और हो सकता है, किसने देखा है, 1 लाख पहुंच जाए या 2 लाख पहुंच जाए, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक दिन के अंदर भी हो सकता है। कभी भी 1 महीने बाद आप एक रात सो के उठो और आपको अगर दिख जाए 1,65,000 रुपये का इथेरियम, कोई ताज्जुब मत करना, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। 1,60,000-70,000 ये ऐसे ही बढ़ जाते हैं बस चुटकी बजा के, कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, इन दो कॉइन में मैं आपको ये दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि जो इथेरियम की, अगर आप इसका टोटल कॉइन देखो, अगर आप, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ETH इथेरियम, इथेरियम पे जाके अगर आप इसका देखो, जो भी आप कॉइन परचेज करते हैं उसमें क्या चीजें देखने की होती है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखना होता है किसी भी कॉइन में कि उस कॉइन की आप वेबसाइट में जब जाओगे तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या हटके है उसमें, और वो ऐसी चीज़ है क्या वास्तव में जो कि जो आने वाले समय में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो। अगर वो ऐसा कॉइन हो, अगर वो ऐसा कॉइन है, तो आप ज़रूर उस कॉइन पे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो स्टेबल रहता है हमेशा, मतलब जब तक वो चलेगा आगे तक का जितने भी समय, वो स्टेबिलिटी के साथ बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। जब कोई कॉइन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। और जो इथेरियम है, इथेरियम और जो इथेरियम बेस्ड कॉइन है, इथेरियम बेस्ड तो बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन मैं इथेरियम लाइट कॉइन और इन्हीं की बात करूंगा, जो मेन कॉइन है जो इथेरियम पे बेस्ड हैं। ये सारे कॉइन क्या हैं कि ये एक तरीके से बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो इनमें ट्रांसफ़र करने का जो टाइम है, या फिर जो इनका जो इनके जो इनमें एल्गोरिदम यूज कर रखी है इन्हें सिक्योर बनाने के लिए, वो ये सारी कॉइन जो इथेरियम आए हैं, ये सब बाद में आए हैं बिटकॉइन की। तो इन्होंने कुछ सीख ली है उससे, जो पहले चल रहा था बिटकॉइन, उसके आगे एडवांस चीज़ों पे ये बने हैं। तो आने वाले समय में, एक सेकेंड, हाँ, तो आने वाले समय में क्या होगा कि उसका, चलो मैं, यार थोड़ा सा मैं इसमें आवाज़ ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैं अपने टॉपिक से हट गया था। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कॉइन का प्राइस कैसा है। देखो क्या होता है ना कि जब आप कॉइन, कोई सा भी कॉइन लेते हैं, तो आपने उसमें एक तो वेबसाइट देखनी है और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वेबसाइट से नॉलेज मिल जाएगी, या उनके आर्टिकल अगर कहीं पे पब्लिश होते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है, और थोड़े से जो
जो जिनकी जो इस इसके बारे में नॉलेज रखते हैं उनसे थोड़ा सा एक बार इनके बारे में जानकारी लेनी है कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है। और अगर आपको लगता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी है, आप अपने ट्रस्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी कहने पे नहीं करनी है। अगर कोई कहता है आपसे इस पे करो, वैसे आपने नहीं करनी है। तो इस तरीके से है चीज़। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं कि कॉइन के क्या है। जो इथेरियम है वो टोटल कॉइन है आपके, इसको देखेंगे अगर हम आप, तो इसमें लगेगा 95 लाख। टोटल जो इथेरियम के कॉइन अभी मार्केट में वो हैं 95 लाख, ठीक है। और इसकी जो मार्केट कैप है इतनी, ये अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई कॉइन कम होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, और वो कॉइन अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो उसके पीछे डेवलपमेंट, उसको जो डेवलप कर रही है वो टीम अगर अच्छी है या फिर उसका सपोर्ट अच्छा है, तो वो कॉइन हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनका प्राइस जो है वो आप देखिए, उसमें आपको एक मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी उन उन कॉइन में। हाँ, तो इस तरीके से हम अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा इसमें आवाज़ आ रही है, इस वजह से मैं अपना जो बोल रहा हूँ उसको पॉज कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ, तो इस वजह से मेरे को कई बार क्या हो रहा है कि जो मैं पिछले था जहाँ पर को, वो भी मैं भूल जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना, दिल से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं एक, तो इस कॉइन का जो टोटल कॉइन है इथेरियम, वो है आपके 95 लाख। मार्केट कैप इसकी इतनी है। क्या होता है ना कि जब कॉइन आपके कम होते हैं, तो कॉइन कम जब होंगे तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, और ख़ासकर जब वो जैसे इथेरियम कॉइन है, लाइट कॉइन है, तो इनके जो सपोर्ट है ये बहुत बढ़िया है। जो इनको बनाया गया है जिस चीज़ पे, ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। एनोनिमस है, जो फैसिलिटी बिटकॉइन की है उस तरीके से काफ़ी सारी फैसिलिटी है इसमें। तो एक तरीके से ये एडवांस वर्जन है बिटकॉइन का। तो अगर आप इसको अभी टाइम से परचेज करते हैं इथेरियम को, तो ये कॉइन भी कम है और इसकी जो मार्केट कैप है उसके बढ़ने की, मार्केट कैप क्या है, जैसे अगर मैं आपको इथेरियम की, इसकी XRP की अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, तो XRP जो कॉइन है वो 46 बिलियन कॉइन है। 46 बिलियन। अब 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और इस तरीके से आप लगा लो 46 बिलियन कितना होगा। तो जब वो जितने ज़्यादा कॉइन होते हैं, क्या होता है, कॉइन कितने हैं और उसकी प्राइस कितनी है, उतना है उसका मार्केट कैप। यानी कि ये जो 95 लाख कॉइन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम अभी की करेंट प्राइस से, 24,665 से, तो इसकी जो मार्केट कैप बन के आएगी वो ये आएगी। तो क्या होता है कि कुछ जो मार्केट कैप होती है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल लगते नहीं है। अगर हम अनुमान लगाएं, आइडिया ऐसे ही अगर दिमाग में ख्याली पुकाव बनाए, ख्याली पुलाव बनाएं, कि जैसे अगर हम कहते हैं कि XRP 15 रुपये का है, तो ये भी एक दिन 4 लाख रुपये का पहुंच जाएगा, तो समझना होगा आपने कि 4 लाख रुपये का नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये 4 लाख का पहुंचेगा, तो आप समझो कि 46 बिलियन गुणा 4 लाख करो, और उतनी जो मार्केट कैप निकल के आएगी, जितनी वो मार्केट कैप बनेगी, उतना समझ लो आपकी, आप खुद अपने दिमाग में आइडिया लगाओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो किसी भी तरीके से नहीं है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि आज 13 रुपये का है, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, ये किसी दिन 4 लाख रुपये का हो जाएगा। तो आप गलतफहमी में हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि जो कॉइन है, जो XRP है, वो 46 बिलियन है, इसलिए उसका प्राइस 15 है। अगर ये पहुँचता भी है अगले साल तक, अगर हम इसका लेके चलें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कहे तो मैं भी कुछ नहीं सकता हूँ, कोई कुछ नहीं करता, कोई भी शेयर एक्सपर्ट आ जाए, कोई भी कितना बड़ा डिग्री होल्डर आ जाए, वो आपको कभी नहीं बता सकता कि किसका प्राइस कितना जाएगा, कभी नहीं बता सकता। वो जितने भी चार्ट बना के, या फिर आप वो पिछला हिस्टोरिकल डेटा देख के जितना भी अनुमान लगाते हैं, वो सारे अनुमान होते हैं। अगर किसी इंसान को ये पता हो जाए कि ये कॉइन इतना जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि वो, मतलब वो तो अंतर्यामी हो गया, वो तो एक ही बार लगाएगा, 1 करोड़ रुपया लगा देगा और 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। कभी कोई किसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन जो कुछ चीज़ें बन के आती हैं, कुछ चीज़ें बहुत श्योर शॉट होती हैं। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं XRP को लूँगा, तो XRP 46 बिलियन कॉइन है अभी XRP के, उनको मल्टीप्लाई कर लूँ 4 लाख से, तो जो मार्केट कैप निकल के आएगी वो कहीं से कहीं तक का बनती हुई दिखती नहीं है, मतलब उतना हो ही नहीं सकता। एक सही शब्दों में अगर मैं साफ सुथरी आवाज़ में अगर बात करूँ, तो वो मतलब सिर्फ इतना सा है। अब
बिटकॉइन की कीमत क्यों है 4 लाख, ये 4,63,000 रुपये, क्योंकि बिटकॉइन है ही 1 लाख, जो टोटल कॉइन है बिटकॉइन वो 1 लाख के समथिंग होंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। यहाँ पर गए, बिटकॉइन में क्लिक किया, 16 लाख। अब ये देखिए जो बिटकॉइन है टोटल वो है 16 लाख, 16 लाख बिटकॉइन है, इसलिए इनकी कीमत है 4 लाख रुपया, और ये बढ़ने के चांस है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो बिटकॉइन है वो सबके दिमाग में बैठा है, बच्चा 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 नहीं, मतलब एक एज जनरल, अगर मैं कहूँ जनरल वे में, तो बहुत सारे लोगों को पता है, अगर उनके दिमाग में क्रिप्टो के नाम पे कोई करेंसी आती है तो केवल बिटकॉइन आती है। जब किसी चीज़ का इतना हाइप होता है, हाइप का मतलब जब ज़्यादातर लोगों में वो अफवाहें फैली होती हैं या फिर पता होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ की खरीद फरोख ज़्यादा होती है, और जब उसकी खरीद ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो ये चीज़ है। और दूसरा ये फैक्टर है कि कॉइन कम है मार्केट में, 16 लाख केवल कॉइन है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसकी कीमत जो है वो आपकी 4 लाख है और मार्केट कैप इसकी इतनी है। अब ये सेम मार्केट कैप, इससे ज़्यादा मार्केट कैप जो है अभी बिटकॉइन कैश की हो गई है, बिटकॉइन कैश की इससे ज़्यादा मार्केट कैप हो गई है। ये मार्केट कैप पर कुछ नहीं होता, मेन पर्पज़ ये है कि हमने ऐसे अनुमान लगाना है कि जो मार्केट कैप है वो दिखाता है कि टोटल अभी मार्केट में इसका टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब मार्केट में टोटल कितने अमाउंट में ये हो रहा है, इसका खरीद फरोख जो भी है, और टोटल कॉइन कितने हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मार्केट कैप ये है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है। तो हमें ये अनुमान लगाना है कि XRP अगर आप देखो, रिपल को देखो, तो 15 रुपये का अगर वो है, अगर वो 1 लाख कॉइन होते, XRP अगर 1 लाख होते, और जो XRP अभी फैसिलिटी जिस चीज़ के ऊपर XRP काम कर रहा है, XRP क्या है, XRP बहुत फास्ट तरीके से वो ट्रांजेक्शन होगा, और बहुत छोटी अमाउंट को भी आप ट्रांजेक्ट कर सकते हो, यानी कि 14-15 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। वो कॉइन बनाया इसलिए है कि उसका बैंकिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा उसका वो है, बैंक को ध्यान में रखते हुए उस कॉइन को बनाया गया है, XRP को, रिपल को। और कई सारे बैंक ऐसे हैं जो बीच में ये खबर आई थी, कितनी इस बात पे कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि बैंक कई सारे इसको अपने साथ मर्ज करने के लिए किस तरीके से इसको यूज कर सकें वो अपने साथ, उसके लिए बात चल रही है, और इसको मर्ज करने के लिए कई सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब चीज़ें उसका अनुमान लगा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो XRP है वो जनरल जो करेंसी है, जैसे अगर हम रुपये की बात करें, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट XRP में होगा, बैंक को भी होगा, डायरेक्टली यूजर्स को भी होगा, तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ें सोची जा रही हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख कॉइन होते XRP के, तो हम कह सकते थे कि ये 4 लाख भी जाता, ये 5 लाख, ये 10 लाख, ये हो सकता है 20 लाख चला जाता, जिस तरीके की हाइप अभी बनी है क्रिप्टो करेंसी की, उस हिसाब से प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें, जैसे शेयर मार्केट को देखते हैं, तो शेयर में आप देखो फेसबुक का है प्राइस है 129 या 160, 170 ऐसा कुछ होगा, अभी एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊंगा, तो वो देखिए $160 उसका प्राइस है उस करेंसी का, ये फेसबुक का। और फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है, आप खुद अनुमान लगाइए फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी इस्टेब्लिश कंपनी है, फेसबुक क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, और इतना बड़ा सोशल मीडिया उनका चल रहा है, पर डेली का अगर आप देखो फेसबुक पे, अलग सा टॉपिक है, एक अनुमान, एक खाली आपको एक एक थोड़ी सी चीज़ बताने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक क्या है, कि डेली के वो खाली अगर आप वहाँ पर एड अपने चलाते हो तो उसी से कितना पैसा कमाती है, इसके अलावा यूजर्स जितने हैं वो सारे के सारे कई सारे कैंपेन चलाते हैं, कई सारे कुछ करते हैं, तो अलग अलग उनकी सर्विसेज हैं। तो फेसबुक का शेयर जब $150 का है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई है, स्टेबल है वो मार्केट में, उस हिसाब से अगर आप इन कॉइन को देखो, बिटकॉइन को देखो, तो ये कहाँ पर है, बिटकॉइन 6,000-7,000 डॉलर इसकी कॉस्ट है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, वो ये है कि कॉइन में जब आप परचेज करते हो तो आपने एक अनुमान भी लगाना है, आपने कॉइन कितने हैं उसके वो देखने जरूरी है। अगर ज़्यादा कॉइन है, 46 लाख, मतलब मान लीजिए आप 100 करोड़ कॉइन, अगर 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब कॉइन अगर वो मार्केट में सप्लाई डाले हैं, तो आप एक जनरल वे में अनुमान लगा सकते हो कि इसकी कॉइन कितना जाएगा। तो XRP कितना जाएगा, हम कह सकते हैं अगर XRP जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जाएगा अगले साल के एंड तक का, या फिर अगले 3 साल या 2 साल में, तो वो 300 रुपये के आसपास दिखता है कहीं पर को, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच भी गया क्रिप्टो की हाइप की वजह से,
जो हाइप चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करने के होड़ में लगे पड़े हैं। अभी धीरे धीरे और लोगों को पता चलेगा, वो भी परचेज करने जाएंगे। जब परचेज करेगा आदमी, डिमांड बढ़ जाएगी, तब अगर वो पहुँचेगा हाइप की बदौलत तो 300 रुपये के आसपास पहुँच सकता है। लेकिन आप ये कहोगे कि 1,000 रुपये पहुँच जाए, 5,000 रुपये पहुँच जाए, वो प्रैक्टिकली दिखता नहीं है इस तरीके से पहुँचना। तो ये है पहली चीज़। तो आप कौन से कॉइन परचेज करेंगे? तो मेरी सलाह में जो लाइट कॉइन है वो 35 लाख के समथिंग है, 55 लाख या 35 लाख। इथीरियम तो आपने देखा था 95 लाख थे, 95 लाख के समथिंग। जो लाइट कॉइन है वो है आपका 55 लाख कॉइन है, और कॉस्ट है इसकी 4,600 रुपया। तो अब मैंने जिस तरीके से इसकी साइट देखी है, इसकी साइट में जो देखा है, एक तो ये ओपन सोर्स है। आपको लाइट कॉइन की मैं वेबसाइट दिखाता हूँ एक बार। ओपन सोर्स पीयर टू पीयर मनी, ठीक है। इसमें जाते हैं हम। सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, जो चीज़ ओपन सोर्स होती है ना, आप यकीन मानिए कि ओपन सोर्स में एक अपनी ताकत होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कई सारे जो डेवलपर्स होते हैं और जिन लोगों ने वो कॉइन परचेज किया होता है, या फिर जो डेवलपर उसमें काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग, ये कोई 10 लोग नहीं है, 50 लाख लोग, 50 लोग नहीं है, पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उस पर काम करते हैं। तो अगर ये लाइट कॉइन ओपन सोर्स है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से बेनिफिट, मैं अपने वे में अगर इसको देखता हूँ तो मैं बेनिफिट की तरह देखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे हद तक एक ग्रोथ दिखाई देखी जाती है। अगर जनरल वे में अगर आप लें, आईटी के फील्ड में अगर आप लेते हैं, तो कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत लंबे समय से मार्केट में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स हैं। जैसे टेक्निकल बता रहा हूँ आपको, वेबसाइट डिज़ाइन में है, जैसे कई सारी लैंग्वेजेज हैं जो ओपन सोर्स हैं, कई सारे चीज़ें हैं जो ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच होती है, और ज़्यादा लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना, जो भी वो करना चाहें, और उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है अगर वो चीज़ अच्छी है तो। मैंने लाइट कॉइन में क्या देखा है कि लाइट कॉइन ओपन सोर्स है, फैसिलिटी की प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेम इथीरियम की तरह इसकी फैसिलिटी है। और ज़्यादा अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए तो आप लाइट कॉइन की वेबसाइट में देख के पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको एक बेसिक बताऊँगा कि क्या करना है। और इसके बाद देखो आप, इसमें वॉलेट कौन कौन से हैं इसके। इनने विंडो का वॉलेट बनाया है, मैक ओएस का वॉलेट है, लाइनक्स का है, एंड्रॉयड का है, हर चीज़ का इनने अपना वॉलेट प्रोवाइड कर रखा है। और कॉन्टीन्यूस इसमें डेवलपमेंट होते जा रहा है लाइट कॉइन पे। तो मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल उससे कि लाइट कॉइन जो है 4,600 रुपये का है, इसमें आपको ग्रोथ पक्का दिखाई देगी। क्योंकि जब मैंने ही देखा था, ये अभी 3,500-3,600 रुपये का था, 1,000 रुपये की कॉस्ट बढ़ गई है आपके 1 महीने के अंदर। और कॉइन की तुलना में, बिटकॉइन कैश की तुलना में भले ये बहुत कम दिखाई दे, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ ये बढ़ती जा रही है। मतलब स्टेबल है ये कॉइन। 3,700 का था तो ऐसा नहीं गया कि सीधे 1,000 पहुँच गया हो या 1,200 में पहुँच गया हो, कुछ कम ज़्यादा हुआ है। बीच में 5,000 रुपया था कभी, और उसके बाद कम होके 3,3200 में आया, फिर 3,700 में आया, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर को। तो इस तरीके से इस कॉइन में मुझे ग्रोथ नज़र आती है। और इसके अलावा इथीरियम पे मुझे ट्रस्ट है कि इथीरियम का प्राइस, क्योंकि ये जितने भी कॉइन है ना, ओल्ड कॉइन और जो जितने भी कॉइन बने हैं, अब जो बनने हैं या फिर जो भी मार्केट में आपको दिख रहे हैं, वो सारे इथीरियम बेस्ड कॉइन है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉइन जो है इथीरियम बेस्ड कॉइन है। तो इथीरियम जो है वो, इथीरियम जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, उसके यूज़ से वो काम कर रहे हैं। और इथीरियम से आप उनको परचेज कर सकते हैं, ये भी एक फैसिलिटी होती है। तो क्या है कि जब आपने कोई भी नया अगर कॉइन आज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हो रही है, आईसीओ जिसे कहते हैं हम, तो उस टाइम पे क्या है कि आप इथीरियम का यूज करके वहाँ पर कॉइन परचेज कर सकते हैं। अब आप इससे क्या अनुमान लगा, इससे क्या हमें पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आपने इथीरियम पर, जब आपने वो कॉइन परचेज करना है, उसके लिए आपके पास इथीरियम होना चाहिए। और इथीरियम कब होगा, जब आप इथीरियम को परचेज करोगे। तो जब आप इथीरियम को परचेज करोगे तो ऑब्वियसली बात है इथीरियम के प्राइस बढ़ेंगे।
अब जितने ज़्यादा ऑल्ट कॉइन मार्केट में आएंगे, इथीरियम बेस्ड जितने भी कॉइन आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं इथीरियम का डायरेक्टली इथीरियम का उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इथीरियम के ऊपर। तो जब वो मार्केट में बढ़ेंगे, इथीरियम का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि बंदे जो उसे परचेज कर रहे हैं वो इथीरियम से परचेज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाई करेंगे इथीरियम को और ये प्राइस को बढ़ाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इथीरियम और लाइट कॉइन, ये दो बहुत अच्छे कॉइन मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा XRP पे भी मैं देखता हूँ कि 15 रुपये 45 पैसे का ये कॉइन है, और XRP को अगर आप लंबे समय तक रखते हैं, 1 साल 2 साल तक, तो ये XRP भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे के जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको XRP के जो सपोर्ट जो है इसका पीछे से, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़ी हस्तियाँ इसमें हैं। वो सारा डिटेल मैं आपको पर्टिकुलर कॉइन का अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक कॉइन के बारे में आपको एक पूरा ट्यूटोरियल अलग सा बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन अभी के लिए पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं समझता हूँ अपनी राय में, वो मुझे लगता है कि इथीरियम, XRP या लाइट कॉइन अगर आप टाइम से परचेज कर लेते हैं, तो इसमें आपको ग्रोथ मिल जाएगी। 1 या 2 महीने के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिख सकती है। अब बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश, इनके मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, या फिर इनके बारे में मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये नहीं मैं सलाह मतलब नहीं दे रहा हूँ इनके लिए। मैं सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये ऑलरेडी 4,62,000 रुपये का बिटकॉइन दिख रहा है, और बिटकॉइन कैश जो है वो अभी 3-4 दिन के अंदर 20,000 से 1 लाख गया है। अब कहने को तो ये भी हो सकता है कि ये जो बिटकॉइन कैश है ये आपका 1 लाख से 4 लाख पहुँच जाए, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो चांसेस कितने हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी BTC का प्राइस 4,62,000 है। बिटकॉइन कैश का कीमत अगर 4 लाख हो जाती है, फिर ये अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। मतलब तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उतना रिटर्न लेने के लिए हो सकता है ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना पड़ जाए, और हो सकता है कि ये आपका पैसा कम हो जाए। अगर आज आप बिटकॉइन कैश को परचेज करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये 60,000 रुपये में पहुँच जाए। अभी 5-6 दिनों के अंदर आपको उसकी कीमत 60,000 रुपये दिखाई दे, तो ये समझ लो कि आपके तो आधे हो गए पैसे। फिर वो 60,000 बढ़ते बढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉइन बढ़ता है एकदम से और वो एकदम से नीचे आ जाता है। और ये आप अगर आप किसी भी कॉइन की हिस्ट्री देखोगे, अगर वैसे एक तरीके से अगर उसका देखोगे, तो कॉइन का होता ही इस तरीके से, वो एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा। जब वो नीचे आता है, कई बार क्या होता है कि वो नीचे आने के बाद ऊपर फिर बहुत टाइम लग जाता है उसे जाने में। अब जैसे ये देखो, यहाँ से ग्रोथ ऊपर जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे को दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है नीचे ही जाए, यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद नीचे भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो समय है, वो जो 20,000 का समय था, वहाँ पर समय था इसे परचेज करने का। वहाँ पर अगर आप परचेज करते तो आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ जो है, 5 गुने का ग्रोथ जो दिखाया हमने, वो मिल जाता। और सेम बिटकॉइन के लिए है, 1 साल पहले तक का 60,000 रुपये का था, आज 4,62,000 का है, तो ये इसमें भी वो ग्रोथ दिख जाती है आपको। तो अब वो जो ग्रोथ अगर आपने देखनी है, तो वो आपको इनके इनमें दिख सकती है, इथीरियम पे और लाइट कॉइन पे। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये ग्रोथ ऐसी दिखाई देगी, लेकिन ये बात है कि आपको ग्रोथ जरूर दिखाई देगी। दूसरी बात ये होती है, कभी कभी कॉइन नीचे ऊपर जाते रहता है, मतलब आज कम हो गया, तो घबराने की उस टाइम पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आपने उसे डिसाइड कर रखा है कि 1 महीना मैं होल्ड करूँगा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है डे टू डे ट्रेडिंग। ये क्या होता है कि जब आपको चाहिए कि पर डे का मैं 10% कमा लूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं 1 लाख का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मैंने हर दिन 10,000 रुपये कमाने हैं, तो हर दिन 10,000 रुपये कमाने के लिए डे टू डे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि मार्केट में जब जो कॉइन की कीमत बढ़ी है, उस टाइम पर आप उसे बेच दो, और जब वो घट के नीचे आ जाए काफ़ी, जैसे 22,000 अगर ये पहुँच जाती दोबारा बेस प्राइस पर अपने, जहाँ से शुरू हुई थी आज, वहाँ पर जाके आप इसे परचेज कर लो। तो क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ ये ऊपर जाता है, कुछ ना कुछ नीचे आता है। अब ये बात अलग है कि अब क्रिप्टो की बात अलग है, क्रिप्टो में ये भी देखा जाता है कभी कभी साला प्राइस जाता है और चला ही जाता है ऊपर को। अब ये 1,09,000 पहुंच गया, ये यही मंडराता रहेगा कुछ समय तक का, जब तक कि ये बिटकॉइन कैश वाले जितने भी होल्ड किए हैं, अब वो जब तक निकाल ना दें। कई सारे ऐसे हैं जो बेचो बेचो करते हैं, अभी वो बेचो बेचो करेंगे तो यहाँ से प्राइस कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। तो ये था आपका चौथा सवाल, कौन सा कॉइन परचेज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी के समय पे मैं डायरेक्ट किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेरे एडवाइस पे कोई मैं चाहूँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर से आप कहें कि आपने कहा था लाइट कॉइन इथेरियम और हमने परचेज कर लिया। यहाँ पर दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ये बस मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है,
और ये मैंने इस तरीके से दिया है कि मैं अगर परचेज करूँ अगर अभी के समय में, तो मुझे लाइटकॉइन और इथेरियम का दिखता है कि 2-3 महीने के अंदर इसमें प्रॉफिट निकल जाएगा, इसलिए मैं इसकी अपने उसमें वो करता हूँ। और जिसको देखना है बाकी अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं हर किसी का अगर बनाना होगा तो मैं आगे ट्यूटोरियल बना दूंगा किस कॉइन में क्या चीज़ है और वो क्यों बेहतर है, इस तरीके से एक वीडियो जिसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं सही तरीके से। बाकी स्टार्टिंग करने के लिए लाइटकॉइन और इथेरियम बहुत बेस्ट रहेगा अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो। इसके बाद करते हैं कि एक्सचेंज के रेट कैसे बढ़ते हैं और घटते हैं। कोई भी कॉइन जो एक्सचेंज में लिस्ट होता है उसके रेट कैसे घटते और बढ़ते हैं। तो किसी भी कॉइन का रेट घटने और बढ़ने के लिए सिंपल सी एक थ्योरी है, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में अगर मैं इसे कहूँ तो इसका मतलब यह है कि जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे खरीदने वाला अग्री होता है, खरीदने वाला खरीदने को तैयार होता है, वो एक्सचेंज में उस कॉइन का रेट होता है। अगर हम कोइनएक्स की बात करें तो अभी क्या है, इस एक्सचेंज पे ये बिटकॉइन कैश, यहाँ पर ये बाई ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर बंदा 1,08,000 रुपये में इसे परचेज करने को तैयार है, 1,08,150 में, अब तो बढ़ गया। तो ये 1,09,000 कॉस्ट हो जाएगी इसकी, यहाँ पर थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा 1,09,000 रुपये दिखाई देगा। वैसे जितना ये दिखाई देता है ना, यहाँ पर जितने लोग परचेज कर रहे हैं जिस प्राइस पे वो करना चाहते हैं उस प्राइस के हिसाब से सेट होता है। और सेट होने के ऊपर दूसरी सबसे बड़ी बात और है, वो यह है कि जितने भी एक्सचेंजेज होते हैं वो एक्सचेंज क्या करते हैं, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, 2 या 3 अलग अलग सोर्सेज से कुछ सर्विसेज हैं, वहाँ से वो लोग गेट करते हैं डेटा के बारे में कि कॉइन की कीमत क्या हो रही है। अलग मार्केट में देखते हैं वो सब जगह के हिसाब से क्या हो रही है और उसके हिसाब से भी ये मार्केट में प्राइस सेट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है 4,62,000 रुपये, और अगर हम बात करें दूसरे एक्सचेंज की, जैसे बिट्रैक्स है, पॉलिनोइक्स करके है, एक पॉलिनिक्स करके है, ऐसा कुछ है, पोलोनिक्स करके एक वो है, एक बाइनेंस है। अगर आप दूसरे एक्सचेंज में ये सेम कीमत 8 लाख हो, यहाँ पर 4,62,000 दिखाए, तो बंदे क्या करेंगे, बंदे ये करेंगे कि यहाँ पर जो 4,62,000 है यहाँ से परचेज करेंगे और वहाँ एक्सचेंज में जाके 8 लाख का बेच देंगे। तो क्या होता है कि केवल इसी पे भी डिपेंड नहीं होता है कि इस एक्सचेंज में कितने में लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, इसके ऊपर ये होता है कि अदर मार्केट में उसकी क्या कॉस्ट चल रही है, उसके हिसाब से भी इसकी कॉस्ट डिफाइन होती है। अब जो बिटकॉइन कैश है वो यहाँ के हिसाब से सेट नहीं हुआ, यहाँ पर 40,000 में रेंग रहा था, ये परसों तक का, परसों की बात है, 40,000 रुपये में ये प्राइस चल रहा था, 40,000, 41,000, 39,000, 40,000, इस तरीके से। और उसके बाद सडनली इसमें एक ग्रोथ आई, 40,000 के बाद 60,000 पहुँचा, 80,000 पहुँचा, 1 लाख पहुँचा। ये किस वजह से पहुँचा, ये यहाँ के डिमांड की वजह से नहीं पहुँचा, ये मार्केट, दूसरे मार्केट में इसके प्राइस बढ़ गए थे, वहाँ के हिसाब से फिर यहाँ की कीमत सेट हो गई इतनी। तो इस तरीके से कीमत सेट होती है। लेकिन जो बेसिक फंडा होता है, अगर आप समझने के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जिस जिस कीमत पे एक खरीदार अग्री हो, जिस जितना वो देना चाहे उस कॉइन के लिए, वो उसका प्राइस सेट करता है कि ये इतने का कॉइन होगा, ये इसका बुनियाद है। ये चीज़ होगी एक्सचेंज के बारे में। दूसरा है कि कई सारे लोग पूछते हैं मुझे दूसरे कॉइन परचेज करने हैं कैसे करूँ। अगर आपने मान लिया इन 5 कॉइन के अलावा दूसरे कॉइन परचेज करने हैं, तो फिलहाल इंडिया के अंदर मैंने ऐसी कोई वेबसाइट देखी नहीं जिसमें अदर कॉइन्स को परचेज करने की या डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने की कोई फैसिलिटी हो। कॉइनएक्स से ही 5 कॉइन पे एक्सचेंज करने की आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। अगर आपने दूसरे कॉइन परचेज करने हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे कॉइन आप देखते होंगे, अगर आप इनकी लिस्टिंग में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो आप कहेंगे बॉस आपने तो हमें बताया बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन के बारे में और रिपल के बारे में, इनका क्या ख्याल है आपके, डैश के बारे में, इथीरियम क्लासिक के बारे में, और मैंने इथीरियम क्लासिक परचेज करना है तो मैं कहाँ से करूँ। इसको अगर आपने परचेज करना है तो आपको इसके लिए दूसरे जो एक्सचेंज है वहाँ पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे हम बाइनेंस की अगर बात करें, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन जो मेरा है, जो मैं सोचता हूँ, ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे बिट्रेक्स है, पोलोनिक्स है और बाकी अदर एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टोपिया है और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। लेकिन जो जो अगर आप एक, एक अगर वेबसाइट की बात करें जहाँ पर को किस तरीके से आप उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं, कितनी सिंपल वेबसाइट है, कितनी अच्छी वेबसाइट है, तो मुझे इन सब में सबसे अच्छी वेबसाइट लगी बाइनेंस। अगर आप बाइनेंस को देखो तो इनका इनका जो लेआउट है, जिस तरीके से इनने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से इनकी वेबसाइट है,
और रियल टाइम पे हर चीज़ बहुत सही तरीके से होती है। कभी रुकना, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई वेबसाइट इनकी रुक जाए कभी या कुछ हो जाए, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो बाइनेंस जो है बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो इसका जो इनके ओनर हैं, जो इनकी टीम है, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी बाइनेंस वालों की, उसमें जो इसका ओनर है उसने अपने ऑफिस पे दिखाया था सब चीज़ों के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो बाइनेंस जो है बहुत हर हर महीने ये 2 या 3 कॉइन जो ऐसे हैं जो जिनकी ग्रोथ हो सकती है इन फ्यूचर, ये उनको लिस्ट करता है अपने अपने एक्सचेंज पे। तो ये बाइनेंस जो है यहाँ पर जाके आप दूसरे कॉइन परचेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी ये जितने भी आपको कॉइन दिख रहे हैं, ये सारे कॉइन आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जो लिस्ट है, जो मेरी अदर लिस्ट है यहाँ पर, को आप देख रहे हैं, ये मियोटा करके कॉइन है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से कॉइन पे मेरी अपनी पर्सनल नज़र है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इतने सारे कॉइन पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। आप इतने सारे कॉइन पे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इनमें से कई सारे कॉइन ऐसे हैं जो आपको 5 पैसे का मिल जाएगा, 10 पैसे का। एक कॉइन की कीमत 10 पैसा है, 5 पैसा है, 1 पैसा है। तो आप अगर आप देखते हैं कि वो कॉइन 15 रुपये का जा सकता है कल के दिन का मतलब आने वाले 6 महीने में, 5 महीने में, तो आप सोचो, 1 पैसा जिसकी जिसकी कीमत 5 पैसा है, अगर वो 15 चला जाए, 15 रुपया, तो ये कितने परसेंटेज का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा इसमें। अगर 1 रुपये को भी लो, 1 रुपये का 15 रुपया होना है, मतलब 15 गुने की ग्रोथ, और 50 का लगा लो फिर 30 का, 30 गुने की ग्रोथ आपको मिलेगी। तो अगर आपने दूसरे कॉइन परचेज करने हैं तो मैं सलाह दूंगा बाइनेंस की। और बाइनेंस के लिए भी आपके लिए मेरे पास एक फैसिलिटी है, वो ये है कि बाइनेंस का मैं आपको, अगर आपको चाहिए कि रेफरल का लिंक चाहिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपकी अपनी सोच है, मैं कोई ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको इन एक्सचेंज साइट पे लाना है इसलिए मैं आपको ये वीडियो कोई बना रहा हूँ। ये जनरल वीडियो है, जो लोग के सवाल थे उनके जवाब हैं। लेकिन क्योंकि मैं बाइनेंस और कोइनएक्स पे उस समय से मैंने देखा है इन वेबसाइट को, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको इन दोनों की सलाह दूंगा। बाकी जो अदर हैं, जैसे बिट्रेक्स है, बिट्रेक्स भी काफ़ी लंबे समय से हैं, लेकिन बिट्रेक्स में चीज़ें सब सही है, लेकिन एक अगर हम एक यूज़र इंटरफेस होता है किसी भी वेबसाइट में, और क्या उसकी मतलब उस वेबसाइट को किस तरीके से आप यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी वेबसाइट पे काम मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे उन सबसे अच्छी बाइनेंस लगी, इसलिए मैंने अपना बाइनेंस पे वो किया। और बाकी बाइनेंस की दूसरी बड़ी बात यह है कि बाइनेंस का अपना एक कॉइन है जिसका नाम है बाइनेंस, बाइनेंस कॉइन। और ये क्या करता है कि आपको 0 पॉइंट मतलब 50% कम आपका, जब आप ट्रांजेक्ट करते हो, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसमें आपका पैसा कटता है, और जब आप उसे सेल करते हो उस टाइम पे भी पैसा कटता है। जैसे कोइनेक्स में क्या है कि अभी तो इन लोगों ने, कोइनेक्स वालों ने, जो सेल है जब आप उसे बेचते हो तब ये कोई आपसे चार्ज नहीं करते, लेकिन जब आप खरीदते हो तब ये आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बात बराबरी हो जाती है। लेकिन बाइनेंस में क्या है, आप बाइनेंस कॉइन का इस्तेमाल करके वो जो खरीद फरोख्त के टाइम पे पैसा लगता है उसको आप बहुत कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ से मतलब इसका मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बाइनेंस के बारे में। ये बाइनेंस अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपको दूसरे ऑल्ट कॉइन परचेज करने हैं जो आपको लगता है कि ये कॉइन मार्केट में बढ़ेंगे, तो उसके लिए आप बाइनेंस का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देंगी, सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे में हैं। यहाँ पर आप इसे बाई कर सकते हो, यहाँ पर सेल करने का है, और सारी चीज़ें एक तरीके से इनने जो वेबसाइट बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। और इनका जो एक रियल टाइम पे काम होता है किसी भी एक्सचेंज साइट पे, कितनी जल्दी आपका काम हो रहा है उस पर डिपेंड होता है। कभी कभी आपको एक झटके में बेचना होता है, एक झटके में खरीदना होता है, और उसमें अगर मिली सेकेंड की भी देरी हो जाए तो वहाँ पर बात बिगड़ जाती है, प्राइस कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन्हें जिस तरीके से बनाया है, देखिए मैं 100 कर रहा हूँ तो अपने आप यहाँ पर दिखा देता है, जितना आपके पास इथेरियम पड़ा होगा उसके हिसाब से 100% के कॉइन कितने, कितना अमाउंट होगा वो दिखा देगा, मतलब कॉइन कितने आप परचेज करोगे वो दिखा देगा। और यहाँ पर आप क्लिक करो, सीधे बाई कर लोगे। तो इनने जो पीछे इसके बैकएंड में जो इनने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, तो इनने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, एंगुलर जीएस या रिएक्ट जो भी यूज़ किया होगा। तो रियल टाइम पे आप यहाँ पर काम करते हो इस पे, इनकी वेबसाइट पे बिल्कुल कभी भी ये रुकती नहीं है, कभी भी हैंग नहीं होगी, इस तरह की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। इनकी वीडियो अगर आप भी देखोगे आपको पता चल जाएगा।
कि किस तरीके से काम करते हैं, आपको ट्रस्ट आएगा इस वेबसाइट पे। ये चीज़ है। तो अभी क्या है, ये सारी चीज़ों के बाद मैंने आपको बता दी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो क्रिप्टो के रिलेटेड या फिर कोई भी करेंसी के रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर एक बार वो सवाल कमेंट करके पूछेगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपकी वीडियो बनाऊंगा। और मेरे लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा कि अगर आपके सवाल मिलेंगे तो मैं उन सवालों के इर्द गिर्द रह के अपनी वीडियो बनाऊंगा, बकायदा इसके कि मैं दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें आपको बताते जाऊँ, वो कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज़ें सही है, सूत्र इसका सिर्फ इतना सा है कि जो आप फालतू के खर्चे करते हैं, जैसे अगर आप मान लिया अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं, शराब वराब में खर्च करते हैं, या ऐशो ऐसी में आप अगर पैसा उड़ा रहे हैं, या फिर आप बाइक खरीद के बाइक में इधर उधर मौज मस्ती काट रहे हैं, मतलब जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, तो मैं ये सलाह दूंगा कि केवल उन खर्चों से उनको सेविंग करके तब आप इसमें जाइए, अपना वो बनाइए। आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना आपके माँ बाप को, ना आपके भाई बहन को, ना आपके रिलेटिव्स को, किसी को भी आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमेशा इस तरीके से काम करना चाहिए। कल के दिन अगर आपका पैसा कम हो गया या बहुत कम चला जाता है तो आप सदमे में आ जाएंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट की वजह से ही, मतलब उनने बड़े स्टेप्स उठाए हैं अपने ज़िंदगी में, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए किसी को वो नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी अमाउंट को अदर वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने को तैयार हैं, तो तब मैं आपको सलाह दूंगा इन जगहों पर जाने की। बाकी अगर आपकी इतनी अर्निंग नहीं है या फिर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, या फिर तो उसमें कहीं से हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय रुक जाना भी बेहतर होता है। हो सकता है जो आप जिस कीमत पे आप आज प्राइस परचेज करोगे कल उससे भी बहुत कम चला जाए। जैसे इसी का एग्जांपल लो, मैंने XBG जो वर्ज है इसको मैंने परचेज किया था 2500 में, या 1876 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2500 था, आज ये 1876 पहुँच गया है। अब 1876 इसलिए भी पहुंचा है क्योंकि इथेरियम की कीमत बढ़ गई है। अब इथेरियम बढ़ गया है तो ये जो बाइनेंस है, ये इथेरियम बिटकॉइन, केवल दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तब जाके आप इस पर एक्सचेंज कर पाओगे, खरीद पाओगे या बेच पाओगे। इसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा और ये कोई डायरेक्टली पैसा नहीं करते हैं, केवल इससे आप इस वेबसाइट के यूज करके आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी किसी कॉइन को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास इथेरियम है तो आप इथेरियम को दे के आप उस प्राइस को परचेज कर सकते हो, उस कॉइन को परचेज कर सकते हो। सेम जब बेचना होगा तो आप उसको बेच के इथेरियम ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। और इसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपके पास वॉलेट होना चाहिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है स्मॉल अमाउंट में। अगर आप 2000 3000 या 5000 रुपये में कर रहे हैं तो उसके लिए किसी वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट आपका बस ये है कि अकाउंट को थोड़ा सा उसमें एंटीवायरस डलवा लेना, और मतलब सिक्योर होना चाहिए आपका। बाकी अगर आपके अकाउंट की किसी के पास एक्सेस ना हो तो यहाँ पर भी सेफ है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाइनेंस जो है, ये वेबसाइट तो एक तरीके से, यहाँ पर इसमें बीच में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो सारे रिजॉल्व हो गए, इन्होंने अपनी तरीके से सारा काम किया है, और इस पर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कोइनएक्स की बात करें तो ये इंडियन साइट है, बीच बीच में इसमें जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे ज़्यादा यूजर्स जब इसमें होते हैं तो उस टाइम पे कभी कभी हैंग हो जाती है, कभी इनके मैसेज आ जाते हैं डेवलपमेंट टीम से कि कुछ समय के लिए हमने ट्रेडिंग बंद कर दी है इस तरीके से। तो ये सब चीज़ है। तो मैं ये सलाह दूंगा लास्ट में कि अपनी जो बचत है केवल उसी का इस्तेमाल करके आपने आगे बढ़ना है। और कई सारे लोग ये कहते हैं कि बैन हो जाएगा, ये इलीगल है, ये वो है। ऐसा है कि जो बिटकॉइन है इसका इस्तेमाल इलीगल होने का क्या कारण है वो मैं बताता हूँ आपको, कि जो बिटकॉइन है इससे क्या हो रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं समाज के, जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जैसे आतंकवादी ले लो, उनके पास क्या है, वो स्मगलिंग करते हैं चरस वरस ये सब चीज़ें, गांजा वांजा इसको बेचते हैं, हथियार हथियार इसको खरीदने के लिए पैसा यूज करते हैं, इन लोगों तक भी इसकी पहुंच है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो आप बिटकॉइन परचेज कर रहे हो इसका क्या है, ये एनोनिमस है, पता नहीं चलता किसके अकाउंट में आपने साइन किया। बिटकॉइन में कभी कोई इंसान पता नहीं कर सकता कि वो जो नंबर है जिस पे आप डाल ले वो किसका अकाउंट है, वो पता नहीं चलेगा आपको। तो ये चीज़ क्या है, ये सही होने के साथ साथ इसका एक दूसरा ड्रॉबैक भी है कि अगर
मान लिया कोई जिसको आप दे रहे हो वो आतंकवादी हो तो वो अपने तरीके से उसको यूज करेगा, तो क्या होता है कि ये जो हमारा बिटकॉइन है इसका अलग तरीके से गलत वे में भी यूज हो सकता है, हो भी रहा होगा, हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये आपको पता थोड़ा ना है कि आपने बिटकॉइन परचेज किया सेम बिटकॉइन कोई आतंकवादी भी परचेज कर रहे होंगे, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल समाज के खिलाफ काम करती हैं, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको परचेज कर रही हैं, इसमें ट्रांजेक्शन कर रही हैं, इससे पैसा कमा रही हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, जो लोग जहाँ पर बैन कर रहे हैं उनके बैन करने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो इसकी वजह से ब्लैक मनी को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, वो लोग क्या करेंगे अपने 2 नंबर के पैसे से बिटकॉइन परचेज कर लेंगे। अब अगर बिटकॉइन को इंडिया लीगल कर देती है या कोई भी कंट्री जिनने लीगल किया उनके अपने अपने वो हैं, उनने उस पर देखी है कि आने वाला समय जो है वो इसका है, उनने ये एनालाइज किया और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनने बिटकॉइन को इस तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, तो उनने अलग तरीके से सोचा है। और जो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है वो कायदे में इसके बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर जनरल करेंसी से अगर हम इसकी तुलना करें तो कई गुना ज़्यादा इसके इसके बेनिफिट हैं बिटकॉइन के, और सेम अगर आप ले लें इथीरियम या लाइटकॉइन के। तो ये चीज़ है। और जो इलीगल वाली बात होती है वो केवल इसीलिए है कि इसका जब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से गया, कितना गया, किसके अकाउंट में कितना है, तो फिर एक गवर्नमेंट के पास एक वो नहीं रह जाएगी, एक जो ताकत होती है ना, बैंक के पास कितनी कोई ताकत रह जाएगी, सारे लोग बिटकॉइन और यही परचेज कर लेंगे, फिर बैंक में कौन बंदा पैसा रखेगा, बैंक वाले 1 साल में 9% का ब्याज मैक्सिमम आपको देंगे, 8.5% 9% का ब्याज, यहाँ पर बंदा जाएगा 10% का ब्याज लेगा, कम भी होगा लेकिन ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा जब मिलेगा। तो इससे बहुत जगहों के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं ऊपर हायर लेवल पे, तो इसलिए वो लोग ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बाकी उनकी अपनी सोच है। हर चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके पहलू को ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि हम बिटकॉइन को बैन करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये फ़ंड हमारे यहाँ से किसी गलत आदमी के पास जाए या फिर कोई भी इस तरीके का काम हो, तो कहने की बात यह है कि आप तो बैन कर देंगे लेकिन जिस 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 कंट्री में वो चल रहा है, जिस जिस कंट्री में वो लीगल हो गया, आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जैसे अगर जापान में ये चीज़ें अगर चल रही हैं, वहाँ पर स्टोर में भी बिटकॉइन से जब आप लैपटॉप ले सकते हैं और अदर आइटम आप जब वहाँ परचेज कर सकते हैं, तो क्या वहाँ के लोग नहीं ट्रांसफ़र करेंगे आतंकवादियों को? आतंकवादी तो सेम है ना, अगर आप पाकिस्तान के आतंकवादी की बात करें या किसी भी जगह की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा मैं, खाली मतलब आतंकवादी कौन है, आतंकवादी की तो अपनी एक अलग डेफिनेशन है, समाज में बैठे हुए कई सारे लोग जो हैं जिंदा वो भी आतंकवादी हैं, कई सारे वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े चोरी चकारी डकैती लूटपाट दूसरे को मारना पीटना ये सब चीज़ें, ये भी गलत काम है सारे के सारे, आतंक मचा रहे हैं ये सारे लोग, तो आतंक जो मचा रहा है वो आतंकवादी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके उनके ऊपर क्या विचार है जिनने लीगल किया है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनने कई सारे कंट्रीज ने लीगल कर दिया है, तो फंड अगर पहुँचना होगा तो वो वहाँ से भी पहुँच जाएगा, बजाय इसके कि आप दूसरों को कॉपी करें, कुछ अपने हिसाब से अपने दिमाग से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न होने चाहिए। और मैं अपनी भारत सरकार की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने भारत से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और एज ए पर्सनल मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से उन लोगों के पास पैसा जाए जो हम ही को मारेंगे या हम ही को हमारे ऊपर ही आतंक मचाएंगे। अगर सही तरीके से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है उसका हम लोग खुला समर्थन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा हर एक चीज़ को पहलू को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। अगर किसी चीज़ से आपकी इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है, ज़्यादा लोग अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ सकता है, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत करनी चाहिए, ज़माने के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है अगर आप क्रिप्टो करेंसी को देखो तो जिस चीज़ पे बेस्ड ये बनी है चीज़ें, ये क्या प्रोवाइड करती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का मतलब है जो सिक्योर हो, जो फास्ट हो, और जो आपका जिसमें ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो, ये क्रिप्टो करेंसी है। जो आज क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन है वो ये है, ये फास्ट है, ये सिक्योर है, और इसमें जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप भेजते हैं या किसी से लेते हैं, उस टाइम में बहुत कम अमाउंट आपका कटता है। तो जब ये चीज़ इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये जब मास इसको एडॉप्ट कर रहा है तो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है इस लिहाज से, तो ये मैं कहना चाहता हूँ।
इसके अलावा ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बाकी जो अदर ट्यूटोरियल बनेंगे उसमें बाकी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। कोई आपके सुझाव हो तो वो ज़रूर आप कमेंट में डालिएगा। अगर आपने कोई सवाल पूछना है मुझसे तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा। और किसी भी करेंसी के बारे में आपको अगर नॉलेज चाहिए तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से जो अभी 5 करेंसी जो मुझे लगती हैं वो ये हैं, एक तो इथेरियम है, एक लाइट कॉइन है, एक मियोटा करके है, इसको आयोटा भी कहते हैं। ये आयोटा में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बढ़ने का, इसके प्राइस को बढ़ा बढ़ेगा ये प्राइस इसका। तो ये आयोटा जो है ये भी इसमें बहुत मुझे लगता है कि इसमें है कुछ बात, और आयोटा आपको बाइनेंस से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको सस्ता कॉइन चाहिए तो एक वर्ज करके है, अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, 1876 चल रहा है यहाँ पर, 1876 रुपया नहीं है ना पैसे में। अगर हम इसको देखेंगे वर्ज को, दिखा देता हूँ आपको, तो ये यहाँ पर जाते हैं और टाइप करते हैं वर्ज XVG, तो इसकी कीमत है आपकी 40 पैसा, 43 पैसे की है ये कॉइन है वर्ज। और XVG के प्राइस जो है बढ़ने की गुंजाइश से 12-13 रुपये तक हो सकता है, अगले 1 साल तक पहुँच जाए, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस पे मुझे लगता है वर्ज पे। और इसके अलावा जो मुझे लगता है हाल फिलहाल में एक इथेरियम क्लासिक करके एक कॉइन आया है, उस पे भी मुझे लगता है कि वो उसके प्राइस बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये है दोस्तों कि इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जितनी भी पोंजी स्कीम्स हैं उनसे आप सावधान रहिएगा। कई सारी पोंजी स्कीम्स हैं वो क्या करती हैं कि आपको महीने का रिटर्न देती हैं, डेली का 1% 2% का रिटर्न दे रही हैं। ऐसी पोंजी स्कीम मार्केट में आ रही है, उन चीज़ों से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि जितनों ने कमा लिया है उनने कमा लिया है। अब जो पोंजी स्कीम जो चल रही है उनके डाउनफॉल का टाइम है। अभी अगर आप वहाँ जाके अपना पैसा लगाएंगे तो संभव है बहुत हद तक कि वो पैसा आपका वापस आपको ना मिले। तो पोंजी स्कीम से दूर रहिए, नॉर्मल ट्रेडिंग कीजिए और नॉर्मल परचेज कीजिए, अपना वॉलेट बनाइए, वॉलेट में उसे सिक्योर कीजिए, बजाय पोंजी स्कीम में डालने के। पोंजी में कुछ नहीं है, वो सारा एक फितूर है। जैसे बिट कनेक्ट है, बिट कनेक्ट एक लंबे समय से चल रहा है और बिट कनेक्ट में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा नफा कमाया है, बहुत अच्छा। और ताजुब की बात है कि इतने लंबे समय से मार्केट में है और चल रहा है, लेकिन अब आप कह नहीं सकते हो कि कब तक जाएगा। जिन्होंने बिट कनेक्ट में टाइम से इन्वेस्ट किया उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाकी इसके देखा देखी और भी सारे एक्सचेंज वो शुरू हो गए हैं, ये आपके इस तरह की पोंजी स्कीम शुरू हो गई है जहाँ पर आपको महीने के 40% का रिटर्न मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि इन जगहों पे ज़्यादा जाने की बजाय केवल एक जगह पे सेंटर रह के काम कीजिए। और कई सारे YouTube में ऐसे वीडियोस होंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि बिट कनेक्ट की तारीफ़ करेंगे लोग, यहाँ पर रीगल कॉइन की, हेक्स्ट्रा कॉइन की, इन चीज़ों की तारीफ़ करेंगे। तो आपने हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि जो इंसान उस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर उस इंसान का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, जैसे मेरा क्या मोटिव है, मैंने इस वीडियो को बनाया लेकिन मेरा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे रेफरल लिंक का इस्तेमाल कीजिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मन हो जाने का तो आप इसका अगर आप इस्तेमाल करते तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हेक्स्ट्रा कॉइन में आइए और मेरे नीचे आप जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या है, ये पोंजी स्कीम जो होती है वहाँ पर आप अपने नीचे 2 जोड़ते हो, 3 जोड़ते हो, और वो जब जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो उस रिफरल का पैसा भी आपको मिलता है, मतलब मल्टीपल, उसमें मल्टीपल अमाउंट आपको मिलता जाता है। तो मैं वो चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा, और मैं उनके सपोर्ट में भी नहीं हूँ ना, मैं अपना कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट चाहता हूँ। अगर कोई बंदा नहीं भी जुड़ता है मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं ये एक जनरल अवेयरनेस के तरीके से जहाँ पर जिस चीज़ का प्रॉफिट चल रहा है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और आपके सुझाव जितने भी होंगे मोस्ट वेलकम मेरी साइड से। इस तरीके से आप काम कीजिएगा और जो भी आपको दिक्कत होंगी उसके बारे में बताइएगा, या फिर कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।